कुछ भी करो विचार, नैनपुर जिला बनाओ, ये अपना वचन निभाओ। सुन ले एमपी की सरकार, लगाते तुमसे यही गुहार, नैनपुर जिला बनाओ कि अपना वचन निभाओ। नैनपुर जिला बनाओ कि अपना वचन निभाओ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। यह जिला बनाओ आंदोलन वास्तव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बोया गया, उत्पन्न किया गया ही वायरस है। वर्ष 2003 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में नैनपुर को जिला बनाने का वायदा किया, वहीं 2008 के चुनाव में जब कैंडिडेट देव सिंह सय्याम थे, तब भी उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नैनपुर को जिला बनाने की बात कही। अब लगातार नैनपुर को जिला बनाने की बात यदि प्रदेश का मुखिया करता हो तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय जनता उन पे आशा भरी टकटकी लगाई नजर से तो देख ही सकती है। लेकिन कहते हैं राजनीति में बोलना कुछ और करना कुछ एक आम बात है। चाहे अच्छे दिन आने वाले हों का नारा केवल चुनावी जुमला बन जाता है, तो भला नैनपुर जिला बनाओ का नारा चुनावी जुमला क्यों नहीं हो सकता। लेकिन नैनपुर वालों ने इस समय इन चुनाव के मौके पर आंदोलन छेड़ दिया है। आंदोलन लगभग 1.5 महीने हो गए हैं और अब तो आत्मदाह की घोषणा तक हो चुकी है। संयोजक नैनपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति नैनपुर। हमारा नैनपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति का आंदोलन आज 42वें दिन पर पहुंच चुका है और मैंने आगामी दिनांक 17 सितंबर को यदि शिवराज सिंह चौहान नैनपुर को जिला बनाने की घोषणा नहीं करते तो आत्मदाह करने के लिए ऐलान कर दिया है, जिसकी विधिवत जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि जिला नहीं बनेगा तो नैनपुर वोट नहीं करेगा और मैं आत्मदाह करूंगा। धन्यवाद। बताया यह गया है कि आने वाली 17 तारीख को 5 बजे आंदोलन के संयोजक बिमलेश सोनी आत्मदाह कर लेंगे। अब देखना यह है कि प्रदेश के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के संवेदनशील समय पर इस बढ़ती हुई समस्या का कैसे समाधान निकालेंगे। हालांकि राजनीति में समाधान असंभव भी नहीं है, लेकिन आत्मदाह की घोषणा कहीं ना कहीं इस आंदोलन को और ऊपर ले जा रही है और यदि यह आंदोलन नहीं थमा तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान होने से कोई बचा नहीं पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद।